हम आपको आज एब रॉकेट असेंबल करने का तरीका बता रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको जो जिन जिन पार्ट्स की ज़रूरत है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। सबसे पहले ये इसकी साइड्स हैं, इसके अलावा ये स्प्रिंग्स अवेलेबल हैं, ये 6 स्प्रिंग हैं। आप देखें ये मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल हैं, इसमें ब्लैक है, रेड है और ब्लू है, ठीक है। इसके साथ ये इसकी गाइडेंस के लिए सीडी है और साथ में बुक है। अब आपने करना ये है कि ये इसकी नीचे वाली सीट है, आपने इसको थोड़ा सा घुमा के खोल लेना है ऊपर, ये बाहर निकल आई तो इसको आपने रख देना है। इसके अलावा आपने इसको पकड़ के इसको शॉपर से बाहर निकाल लेना है। ये इस एप पिस्टल के दो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और ये इसकी जो बैक है वो नीचे आ जाएगा, ओके। इसकी फर्दर सपोर्ट के लिए अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसको यूँ बैक कर लेंगे तो ये फर्दर इसकी ग्रिप जो है ज़मीन में घूमेगी। अब जब आपने यूँ कर लिया रख के, उसके बाद आपने इसकी क्या करना है कि सीट लगानी है। सीट में आपने क्या रखना है कि ये जो जहाँ पर ये क्लिप्स लगे हुए हैं इसके, ये आपने क्लिप्स देख रहे हैं, जिस तरफ को इसके क्लिप्स लगे हैं तो उसी तरफ से इसके अंदर ये सुराख भी अवेलेबल है। इन सुराख के अंदर इस क्लिप्स को लगाना है। आपने इसको जिस तरफ से क्लिप्स लगे हैं वहाँ पर इसको रख के, ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसके साथ को प्रेस करके बराबर करके दोनों साइडों से इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है। प्रेस करके आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ पर सुराख थे वहाँ पर ये क्लिप्स आ गए हैं। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पर जाके उस क्लिप को लगा देना। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इसकी सीट को लेना है, तो सीट को सिंपली आपने इसके ऊपर जो है वो रख देना है। तो आपने क्या रखना है कि ये जो वाली साइड है ये हमेशा आपकी राइट साइड पर आएगी, जमीन पर जहाँ पर ये सुराख लगा हुआ है, ठीक है, आपने देख लेना है। क्लोज करें, यहाँ पे क्लोज करें सुराख के टाइम, इस सुराख यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरफ आपने जो इसके साइड वाली सीट है उसको रखना है, इसको सीधे आपने इसके ऊपर रख देना है, यहाँ पर एक सुराख बना हुआ, ठीक है। अब आप हम जाएंगे इसकी बैक साइड पे जहाँ पर हमने इसके अंदर स्प्रिंग को लगाना है। आप सबसे पहले इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, हाई, लो और मॉडरेट, ठीक है। आपने उसमें से सबसे पहले ब्लैक वाले जो हैं वो लेने हैं, ठीक है। उनके स्प्रिंग्स को आपने ये यहाँ पर 2 स्टेप्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपने स्प्रिंग को पकड़ कर यहाँ पर लगाना है और उसको जो नीचे वाली जो क्लिप है वहाँ पर इसको आपने आप इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये आसानी से जो है उसके ऊपर चला जाएगा। ये आसानी के साथ, यानी कि आपने इसके फ्रंट साइड पे जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसके फ्रंट साइड पे आपने इसको रखना है। इसके बाद आपको साथ में नट्स दिए गए होंगे तो उसके साथ आपने हमको यहाँ से बंद कर देना। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना है। ख्याल आपने ये रखना कि अगर आपने इधर ब्लैक लगाया है तो दूसरी साइड पे भी आप ब्लैक लगाएंगे, अगर आपने इधर रेड लगाया तो दूसरी साइड पे आप ब्लैक लगाएंगे। तो ये इसके अंदर एक हुक्का आपको दे रहे हैं जो कि सीट का स्टॉपर है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लगाकर सीट को यहाँ पर रोक सकते हैं। अगर आप ट्विस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको तो यहाँ से बाहर निकाल दें। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ लगा ली है, ठीक है, और इस तरह से आपका ये रॉकेट ट्विस्टर जो है वो तैयार है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसको मूव करना है सीट को तो आप ये क्लिप बाहर निकाल लेंगे, अगर नहीं करना तो आप इसको आपका। अगर आपके नेक का साइज जो है कम या ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ पर इसके पीछे इसके एडजस्टेबल
से आप इसको लूज करके इसको अकॉर्डिंग टू अपने जो नेक साइज है उसके हिसाब से खोल के नीचे जहाँ पर आपकी सेटिंग हो वहाँ पर।